पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बलहा विधानसभा क्षेत्र में बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लाशों पर राजनीति करना छोड़ दे, बार बार केंद्र सरकार को कोसकर प्रदेश सरकार ये जताने का प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। यदि केंद्र सरकार ने ही सब कुछ करना है तो फिर कुर्सी को छोड़ क्यों नहीं देते। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब विश्व कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा था तो उस वक्त भी कांग्रेस का योगदान सभी को याद है। आज प्रदेश पर आफत आई है तो भी कांग्रेसी राजनीति ही कर रहे हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता लगातार केंद्र से प्रदेश के लिए मदद ला रहा है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि राजनीति को छोड़कर जो मदद केंद्र से मिली है उसे पात्र लोगों तक पहुँचाने का काम करे। राजनीति करिए लेकिन कम से कम लाशों पर तो मत करिए। जहाँ केंद्र से मदद मिल रही है और उसके लिए इस प्रकार से मना करना कि कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ये मैं समझता हूँ कि राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं है। और राजनीति मकसद के साथ वो सारा ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं केंद्र सरकार के। अगर केंद्र सरकार ने सब कुछ करना है तो प्रदेश सरकार किसके लिए है, छोड़ दीजिए ना फिर। ऐसे में मैं यही कहूँगा, जिम्मेवारी। कोविड का दौर था, क्या कहते थे कांग्रेस के लोग, क्या क्या बोलते थे, और वो तो एक वैश्विक बीमारी थी, पूरी दुनिया में थी, हिमाचल में नहीं, पूरे देश पर में। देश भी उस संकट में जूझ रहा था, प्रदेश भी उस संकट में जूझ रहा था। उस वक्त इनकी भूमिका क्या रही? लेकिन हिमाचल के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता दिल्ली में 3 बार जाकर के गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से, हमारे नितिन गडकरी जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री हैं, उनसे मिल करके हिमाचल की मदद के लिए गुहार करने के लिए, और मंत्री को दिल्ली से लेकर के आए हिमाचल प्रदेश में, साथ उनके साथ हम जा करके विजिट भी किया और उसके साथ उनने मदद भी की। ऐसे में इस तरह की बातें का आज से पहले हिमाचल के इतिहास पे पता करो कौन विपक्ष का नेता दिल्ली जा करके हिमाचल के मदद के लिए ऐसे संकट के घड़ी में बार बार गया हो। और मैं इस बात को इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अब कम से कम जो मदद मिल रही है उसको लोगों तक पहुंचाओ। कि उनका अपनी बात कहने का, ये केंद्र का प्रव्यू हुआ, केंद्र इस पर विचार करे, हम उसमें कुछ कह नहीं रहे, केंद्र करता है तो ठीक है। लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि इस बात को लेकर के कि वे घोषणा करें, केंद्र से मदद कैसे मिल सकती है ज़्यादा, उसके लिए काम करना है। ये नहीं हो सकता है कि केंद्र मदद कर रहा है और उसके बावजूद आप केंद्र सरकार को गाली देते रहें और झूठ बोलते रहें, तो वो भी उचित नहीं है। थोड़ा उनको मुझे लगता है कि इस बात पर भी सोचना चाहिए। और पिछले कल 2700 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है वो स्वीकृत किया गया है, जिसमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो अधिकांश सड़कें उसमें शामिल हो रही हैं, जो सड़कें अभी हाल में डैमेज हुई हैं उनको रिस्टोर करने के लिए, उनको बनाने के लिए 2700 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश को मिला है। और ऐसे में हम बार बार सुन रहे हैं विपक्ष, जो हम विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन हम फिर भी उसके बावजूद सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि ये मानवीय दृष्टिकोण से हमको सत्ता और विपक्ष से ऊपर उठ करके लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से जो बार बार कहा जा रहा कि कुछ नहीं मिला, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।